हेलो वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो लिब्रा कैल्क की है। लिब्रा कैल्क में पाइवोट टेबल कैसे बनाएं, आइए मैं दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस यूनिट और टोटल लिखा हुआ है, और इसमें प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, प्राइस में प्राइस है, यूनिट में यूनिट है, और टोटल में टोटल कैलकुलेट किया गया है। अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सीधा चलता हूँ इंसर्ट पर और पाइवोट टेबल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो अपीयर होगी, सेलेक्ट सोर्स कर। अब इसमें तीन चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, पहला नेम रेंज है, दूसरा करंट सिलेक्शन है, डेटा सोर्स रजिस्टर्ड इन लिब्रा ऑफिस, ये तीसरा है। अभी हमें करंट सेक्शन पे ही रखना है और यहां से ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो एक ये न्यू विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि रो फील्ड में हम प्रोडक्ट को ले लें, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ड्रैग करके लाके यहाँ रख दीजिए, और हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल टोटल चाहिए, तो टोटल को हम डेटा फील्ड में लाके रख देते हैं, क्लियर। और बस ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये टेबल आ जाएगी, तो ये देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इसका सम आया हुआ है, आप देख सकते हैं, और टोटल का भी टोटल आया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। आगे इस पर डिटेल में वीडियोज बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।